अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ इरफानुल्ला और आज हम मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक जो हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिक में हमारे पास आज जो पहला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल एक्स। जो रैंडम वेरिएबल हैं, हमारे पास रैंडम वेरिएबल दो तरह के हैं, एक हैं कंटिन्यूस और एक हैं डिस्क्रीट। तो ये जो डेंसिटी फंक्शन है ये हम कंटिन्यूस में डिस्कस कर रहे हैं। तो द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एक्स हैं इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। व्हेन देयर इज द सेम लेंथ बिटवीन एनी टू सब इंटरवल्स कंटेनिंग एक्स, के ये जो इसका जो लेंथ हैं, ये इसके जो लेंथ हैं, इसके जो सब इंटरवल हैं वो हमारे पास एक्स को कंटेन करेगा। एंड हैव द सेम प्रोबेबिलिटी, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हमारे पास सेम होगी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इंटरवल है ए से बी तक, यानी फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, फिर एक्स वन, एक्स टू, अप टू एंड सो ऑन, बी इज इक्वल टू एक्स एन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू। तो इन सब के दरमियान हमारे पास जो लेंथ होगा ये लेंथ हमारे पास इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ए से यानी एक्स नॉट से एक्स वन तक जो लेंथ हैं ये हमारे पास इक्वल हैं, एक्स वन से एक्स टू तक जो लेंथ हैं ये हमारे पास इक्वल हैं, इसी तरह एक्स एन माइनस वन और एक्स एन के दरमियान जो लेंथ हैं ये हमारे पास इक्वल हैं। तो इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू बी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइन है। तो एक्स को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे अगर हमारे पास उसका जो डेंसिटी फंक्शन हो किस तरह डिफाइन हो, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर बी मनफी ए, यानी ये हमारे पास अगर इस तरह डिफाइन हो कि वन और बी मनफी ये हमारे पास फंक्शन है और ए जो है ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू एक्स हैं और बी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स हैं और बी जो है बी हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू एक्स हो, तो इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे या अदरवाइज इसको हम जीरो कहेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हों। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज called a uniform distribution when there is the same length between any two sub intervals containing x have the same probability, या the random variable x is said to be a uniform distribution if its density function is defined as f of x is equal to 1 over b minus a तो और अदरवाइज ज़ीरो जो है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उनके प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह है, उसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास पी डी एफ प्रॉबिबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में फिर हमारे पास इसका जो ए पार्ट है या वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास वन और बी मनफी ए ये हमारे पास ग्रेटर देन है, बिकॉज बी जो है बी हमारे पास ग्रेटर देन ए है, देन द रिज़ल्ट विल बी पॉजिटिव। तो इससे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास इक्वल के बराबर होगा। ये पीडीएफ के दो प्रॉपर्टी हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास उसके दो प्रॉपर्टी हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी को जब हम सेटिस्फाइड करते हैं तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर ये फंक्शन पुट कर दें वन ओवर बी मनफी ए डी एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है वन ओवर बी मनफी ए, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो अब लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट जो है लिमिट भी हमारे पास इस तरह होगा माइनस ए से लेकर बी तक वन ओवर बी मनफी ए डी एक्स। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम आगे ले जाते हैं, इसको आगे ले आया और यहाँ पर ए से लेकर बी तक डी एक्स जो है इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इससे हमारे पास एक्स आता है।
तो यहाँ पर ये x लिख दिया और ये लिमिट जो है लिमिट को यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये कांस्टेंट है इसको यहाँ पर लिख दिए हैं और इसमें जब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो वो लिमिट हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब ये वाला जो है ये ऊपर वाला साइड है तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये नीचे वाला है डिनोमिनेटर इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे जो रिज़ल्ट आता है ये हमारे पास 1 के बराबर है। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास पीडीएफ जो है पीडीएफ को सेटिस्फाइड कर देते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह है, मीन है। इसका मीन हम किस तरह मालूम करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम बताएं हैज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मीन की डिफिनीशन है हमारे पास। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर हैं, 1 और बी मनफी ए, ये इसके बराबर हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो जब हम इस एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए अप टू बी 1 ओवर बी मनफी ए एक्स डी एक्स, एक्स जो है ये वाला एक्स है। तो ये कांस्टेंट है हमारे पास, इसको आगे ले जाते हैं इंटीग्रेशन ए अप टू बी एक्स डी एक्स। तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आता है और लिमिट जब हम पुट कर देते हैं तो ये ऐसे बी तक। अब ये वाला कांस्टेंट है इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, इसमें जब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो ये बी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर और इसके नीचे जो है नीचे ये 2 जो है 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब बी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर को हम मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं बी मनफी ए इंटू बी प्लस ए और नीचे जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में हमारे पास हम बी मनफी ए हैं तो बी मनफी ए को यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको आपस में हम कैंसिल कर देते हैं, ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा बी प्लस ए डिवाइड बाई 2 बी प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गए हैं बी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। तो जो मीन है हमारे पास हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वो हमारे पास किसके बराबर हैं बी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद है हमारे पास वेरिएंस, हम वेरिएंस को किस तरह फाइंड कर देते हैं। अब है हम पता है कि वेरिएंस किस चीज़ के बराबर है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमने फाइंड किए हैं, अब इस पर स्क्वायर लेंगे वो बाद में हम करेंगे, पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हम फाइंड कर देते हैं। अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास किस किस के बराबर है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो किस चीज़ के बराबर है, वो है हमारे पास 1 ओवर बी मनफी ए है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए अप टू बी 1 ओवर हम बी मनफी ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर हमने वो फंक्शन जो है पुट कर दिया है यहाँ पर। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम आगे ले जाते हैं, आगे लेकर आया और यहाँ पर इंटीग्रेशन ए अप टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बी मनफी ये तो कांस्टेंट है इसको हमने आगे लेकर आया था, तो ये इसको यहाँ पर लिख दिया है और उसको जब हम एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 जो है हमारे पास आते हैं और लिमिट जो है लिमिट हमारे पास ए अप टू बी है। तो अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो जब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास बी क्यूब माइनस ए क्यूब जो है माइनस ए क्यूब यहाँ पर लिख दिया है और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है 3 को यहाँ पर लिख दिया है और 1 और बी है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो बी क्यूब माइनस ए क्यूब जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी मनफी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और नीचे 3 हैं और बी मनफी ए जो है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई 3 जो है ये वाला हमारे पास रह जाएगा। तो ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, पहले जो वेरियंस था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था।
अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हैं वो हमारे पास किसके है, ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो हैं ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू हैं। तो इस पर जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर। तो इससे हमारे पास फोर आता है, नीचे नीचे वाले से फोर आता है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी होल ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है ऊपर हमारे पास ये आता है। तो ये इक्वेशन नंबर टू है, ये इक्वेशन नंबर थ्री है। तो अब हम इक्वेशन नंबर टू और थ्री को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर वन हमारे पास किस तरह था, इक्वेशन नंबर वन वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर था, इस तरह था हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। तो जब हम इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाला, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर की जो वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई थ्री मनफी ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास 12 आता है, और ये हमारे पास है ये वाला साइड, ये फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी दो तीन छः। यहाँ पर टू को जब हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फार्मूले को मैं यहाँ पर मैंने एक्सपेंड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास सिक्स आता है। तो ये फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, इससे हमारे पास ए स्क्वायर आता है, फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर इससे हमारे पास बी आता है, प्लस फोर ए बी माइनस सिक्स ए बी इससे हमारे पास माइनस टू ए बी आता है। तो ये वाला जो है ये हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये माइनस बी होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और नीचे हमारे पास 12 है। तो वेरिएंस जो है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया है, ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर आ गया है, और नीचे इसका क्या है 12 है। तो ये हमने इसका वेरिएंस मालूम किया है, और जो हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है इस पर जब हम अंडर रूट ले लेते हैं तो इससे हमारे पास हम स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका हमारे पास है ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ऑफ थ्री जो है, इससे हमारे पास इसका वेरिएंस है, ये हमारे पास उसका वेरिएंस है, और ये हमारे पास उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये था उसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है जो हमारे पास वो है शेप, यानी इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास शेप जो है, शेप हमारे पास किस तरह आएगा, द शेप ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रेक्टेंगुलर। इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जो शेप है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर है, और इसी वजह से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वो किस तरह, यहाँ पर ये ज़ीरो हैं, और ये इस एक्स इंटरवल में हमारे पास जो दो लिमिट्स हैं ए अप टू बी, तो यहाँ हमारे पास इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या आएगा, वन और बी मनफी ए, और ये जो हमारे पास शेप बनता है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप इससे आता है। तो इसी वजह से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कल इंशाल्लाह हम इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, मोमेंट जनरेटिंग को हम फाइंड करेंगे कि इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास किस तरह आता है, इसी तरह इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इससे जो रॉ मोमेंट्स आते हैं रॉ मोमेंट्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम इसका किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हम कल इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।